तो हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज आप लोगों को जर्नी कराने जा रहा हूँ भारत की सबसे पहली रैपिड रेल, जो कि आज के दिन आज शुरू हुई है। और अभी मैं हूँ, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, साहिबाबाद स्टेशन पर, जो कि रैपिड रेल का साहिबाबाद का स्टेशन है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आप लोग को यहाँ का पूरा अंदर का पूरा लुक दिखाऊंगा, टूर दे दूंगा, और उसके बाद जो होगा इसका पूरा जर्नी होगा ये रैपिड रेल का, उसकी वो भी आपको दिखाऊंगा। और इसका बाकी जो भी टिकट प्राइस क्या है, सब चीज़ें सभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, टिकट लेते हैं और फिर आप लोग को ये वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा कि आप ये देख सकते, ये है साहिबाबाद का, जैसे मैंने बताया कि मैं हूँ अभी रैपिड रेल के RRTS के साहिबाबाद स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। और इसका बिल्डिंग आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा सा बिल्डिंग है। और यहाँ पर आपको जो है ये पार्किंग का एरिया बनाया हुआ है, और अभी जस्ट कल ही जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ था यहाँ से। तो अभी देख सकते पूरा डेकोरेशन अभी लगा हुआ है। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे। और इसका बता दूँ, इसका बहुत सारा नाम से, ऐसे कोई इसको रैपिड रेल बोलता है, कोई RRTS है, और हम लोग के रिस्पेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसका नाम नमो भारत दिया है, इस ट्रेन का नाम नमो भारत दिया। तो आज का ये जर्नी होने जा रहा है साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से दुहाई डिपो स्टेशन तक, जहाँ पर अभी ये चालू हुआ है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, देख सकते हैं ये अंदर में काफ़ी जो है काफ़ी अच्छा से अभी सजावट किया, कल ही जो है डेकोरेशन पूरा इनोवेशन हुआ था। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और फिर आप लोग को पूरा टिकटिंग सिस्टम दिखाएंगे कि टिकटिंग सिस्टम कैसा है और इसका ट्रेन कैसा है, सब चीज़ आप पूरा इस वीडियो में दिखाएंगे और पूरा जर्नी पूरा करेंगे। तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है रैपिडेक्स का फेयर चार्ट है, जो कि जिसमें अभी जो लाइन है वो अभी चालू हुआ हुआ है, यह साहिबाबाद से लेकर ये दुहाई डिपो स्टेशन तक। तो हम लोग पूरा जर्नी करेंगे और यहाँ पर इसका फेयर चार्ट भी देख सकते हैं, जो कि साहिबाबाद से अगर आप लोग दुहाई डिपो तक जाएगा तो आपको जो है 50 रुपये लगेगा। अगर आप लोग स्टैंडर्ड क्लास में जाते हैं, अगर आप लोग प्रीमियम क्लास में जाते हैं तो आपको जो है 100 रुपीज़ लगेगा। और इसका जो टिकट है वो कुछ ऐसा रहता है, तो टिकट अगर आप ऑफलाइन लीजिएगा तो कुछ ऐसा टिकट आपको मिलेगा। तो हम लोग ने जो लिया है वो लिया है प्रीमियम क्लास, यहाँ पर आपको प्रीमियम क्लास मिलता है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर सकते हैं, ये इसका इंस्ट्रक्शन सब दिया हुआ है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहता है, आप लोग उसको पढ़ सकते भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखते कुछ आपका ऐसा यहाँ का अंदर का पूरा लुक्स है, अंदर का आपका डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। बाहर में भी आपको ये जो हाईवे है ओवरब्रिज है, हाईवे का लीजिए या ओवरब्रिज का लीजिए ये है। और यहाँ पर आपको टिकट वेंडिंग मशीन है, जिससे आप लोग टिकट यहाँ से भी ले सकते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ऑफलाइन से भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ आपको कुछ इस टाइप का गेट्स मिलता है, जैसा आपको नॉर्मल मेट्रो में गेट्स मिलते हैं वैसे ही है। और जो हम लोग है इसको हम लोग यहाँ पर स्कैन करना रहेगा। और इसके अलावा जो है यहाँ इसमें जो है आपको एन सी एम सी का जो कॉमन मोबिलिटी कार्ड होता है वो भी आपको मिल जाता है। तो उसके लिए आपको अगर आपका पेटीएम में फुल के वैसी है तो बस 100 रुपीज़ लगेगा। बाकी आप ये देख सकते हैं काफ़ी यहाँ का लॉन्च है, अगर आप लोग का प्रीमियम पास है तो आप लोग यहाँ पर प्रीमियम लॉन्च में भी ले सकते रेस्ट है। तो अभी हम चल कर उसे दिखाएंगे। और इधर आपको एक ब्रिज जो है वो मोदी को चल जाता है, और एक जाएगा सराय काले खान, क्योंकि ये टोटल सराय काले खान से लेकर आपको मेरठ तक जाता है, बट अभी जो है केवल साहिबाबाद से लेकर आपको दुहाई तक का ही अभी चालू हुआ है। और अभी हम चलेंगे आराम से, अभी पहले में जाएंगे प्रीमियम लॉन्च में आप लोग दिखाएंगे, और उसके बाद फिर आपको और भी यहाँ का जो पूरा लुक्स है, पूरा यहाँ पर का जो भी आपका है वो आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये देखना है कि कितना नीट एंड क्लीन आगे रहता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहता है। और आपको यहाँ पर लिफ्ट ये सब का भी सुविधा है, लिफ्ट भी है, स्लेटर्स भी हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको हर स्टेशन पर का जो है बाहर का एक बार लुक दिखाएं, क्योंकि यहाँ यहाँ पर जो ट्रेन है वो हर अभी 15 मिनट पे आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली ये जो है, ये है आपका ISBT यानी कि आनंद विहार सॉरी सराय काले खान जो रेलवे स्टेशन है, यानी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन।
उसका वहाँ पर आपको जामदीन ISBT यानी सराय कालेखान ISBT, फिर वहाँ पर आपका रेल जामदीन रेलवे स्टेशन, फिर पिंक लाइन, और ये आपका इधर है आपका निजामदीन रेलवे स्टेशन, और आपका कहीं तो आपका कुछ इस टाइप का पूरा मॉडल रहेगा सराय कालेखान का। तो जब ये बाद में जब इसका भी जो लाइन चालू होगा, स्टेशन चालू होगा, तो हम लोग आपको इसका भी वीडियोज लेके आएंगे। तो अभी चलिए हम चलते हैं यहाँ का प्रीमियम लॉन्च में। तो ये जो एरिया देख रहे हैं, ये है आपका प्रीमियम लॉन्च का एरिया, जहाँ की जो भी प्रीमियम टिकट जिसका रहेगा और सभी इधर जा सकते हैं, और इसमें जो QR है इस टिकट में स्कैन करके यहाँ पर हम लोग उधर जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ट्रेन में भी आप लोग स्टैंडर्ड का टिकट लेके जो है वो आप प्रीमियम में जा सकते हैं। तो इसमें जो प्रीमियम का कोच है, जहाँ भी उन्होंने पता किया, प्रीमियम कोच पूरा अलग है, सेपरेट है स्टैंडर्ड से। तो ये चीज़ सही है, अभी अंदर से देखते हैं कि कितना सच्चा है। और ऐसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का ऊपर से भी काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, अब इसका सच्चा भी देख सकते काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर देखते हैं इसका पूरा रूट दिया, तो रूट दिखा देते हैं। तो ये जो है आपका शुरू होता है जंगपुरा से, जो कि दिल्ली में है, फिर सराय कालेखान जहाँ पर आपका पिंक लाइन मेट्रो है और आपका सराय जामदीन स्टेशन है, फिर न्यू अशोक नगर जहाँ पर ब्लू लाइन कनेक्ट करता है, फिर आनंद विहार जो कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो गया, फिर साहिबाबाद जहाँ पर हम लोग हैं, फिर गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, फिर दुहाई डिपो स्टेशन जहाँ पर डिपो जहाँ पर सभी ट्रेन लगेगी डे एंड पे, फिर उसके बाद फिर आपका मुरादनगर, मोदी नगर, फिर मोदी नगर नॉर्थ और साउथ, फिर आपका मेरठ जहाँ से आकर मेरठ साउथ मेरठ शुरू हो जाता है, और यहीं से आपका मेरठ मेट्रो भी, जो मेरठ मेट्रो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका पूरा प्रतापपुर, रिथानी, मेरठ सेंट्रल, वैशाली, ये सब होते हुए पूरा आपका मोदी पुरम तक जाता है। और साथ ही साथ इसका जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये आपका मेरठ मेट्रो का है, और ऊपर में आपका यहाँ पर रेड है, ये आपका रैपिड रेल का है, और मेरठ साउथ का ये आपका शताब्दी नगर, फिर बेगमपुर और मोदीपुरम पे जाकर दोनों एंड हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ आपका लेजेंड्स भी आप देख सकते हैं कि आपको समझ में नहीं है, और इसके लिए आपको ऐप भी है, तो वो मैं आपको ऐप फिर दिखाऊंगा जब ट्रेन आती है। तो अभी जो है ट्रेन आने का ट्रेन आ रही, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है यहाँ प्रीमियम लॉन्च का एरिया, प्रीमियम एरिया, यहाँ पर आपको ये सब कुछ मैगजीन्स मिल जाएगी, कुछ फिर आपको खाने पीने का भी यहाँ पर मिल जाएगा जो आपका वेंडिंग मशीन से। और ये आपका रैपिड रेल जो कि आपका इसका नमो एक्सप्रेस की नाम है, तो ये भी चलेंगे। और ऐसे हमारे कोई इशू नहीं है, हर 15 मिनट पर आती है, तो चलिए हम दिखाते हैं 15 से कैसा है। इसका सीट जैसे तो कुछ ऐसा है, और यहाँ पर हर सब में एक सीट नंबर दिया हुआ है, ऐसे हम लोग का टिकट पे कोई भी आपको टिकट का कोई भी सीट नंबर नहीं रहता है, बट आपको यहाँ पे जो है हर सीट नंबर दिया हुआ है। और प्रीमियम का मैं बता दूँ, प्रीमियम क्लास में जो है आपको एक लिखी बुक दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको बीच में ये जो है ये लॉक दिया हुआ है, जो कि आपका यहाँ पर से जो है आपको ये लॉक दिया हुआ कि ना आप स्टैंडर्ड से प्रीमियम में आ सकते हैं ना प्रीमियम से स्टैंडर्ड में जा सकते हैं। तो ये है आपका प्रीमियम क्लास, तब ये ट्रेन चलेगी, तो फिर आपको बता देते हैं हम लोग बैठते हैं। और मैं आप लोग को बता चुका हूँ इसमें कि जो इसका जो क्रू है वो ऑल लेडीज क्रू है, यानी इसकी जो लोको है वो भी आपका लेडीज है, जो आगे में लोको है वो है। और इसमें भी आपको जो स्टैंडर्ड क्लास है उसमें भी जो पहला वो रो है, पहला जो कैबिन है वो आपका लेडीज़ का रिजर्व रहेगा, और उसका बाकी वहाँ 4 कोचेज रहते हैं। तो जब हम रिटर्न जर्नी करेंगे स्टैंडर्ड से, आपको स्टैंडर्ड का भी वीडियो दिखा देंगे, ये वीडियो पे आगे आपको लगा देंगे। तो इसमें हम बैठते हैं सीट पर, पहले सीट पर बैठते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर एक सीट लेके बैठ गए हैं। और यहाँ पर आप लोग ये साइड में देख सकते हैं, ये आपका कर्टन इसका खींचने वाला कर्टन दिया है, अगर धूप लगे तो आप उसके नीचे भी कर सकते हो और फिर इसको ऊपर कर लो। यहाँ पर आगे सीट में ये आप लोग को ऐसे दिया हुआ है अपना सामान सब होल्ड करने के लिए, यहाँ पर आपका ये बोतल होल्डर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको ये कुछ खासा सामान रखने के लिए, और ये नीचे में आपको ये फुटरेस्ट दिया हुआ है,
और साइड में एक ये यूएसबी चार्जिंग के लिए यूएसबी पॉइंट, और ये आपका यहाँ पर से ये पावर प्लग दिया हुआ है जो कि मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग के लिए है। तो अब यहाँ से हम लोग का जो जर्नी है वो हो रहा है स्टार्ट। अगला स्टेशन गाजियाबाद है। नेक्स्ट स्टेशन इज गाजियाबाद। जैसा कि अगर आप लोगों ने इसका स्पीड देखा अराउंड 140 तक आराम से चल जाता है, अगले 150 भी जा रहा था, 148 144 चल जाता था, तो और एवरेज जो है आपका 130 आराम से चल रहा था। तो यहाँ पर क्योंकि जो स्टेशन से यहाँ छोटी छोटी एवरेज पे तो कॉन्स्टेंट आपको जो है वो स्पीड नहीं मिलती, इसी का जो टोटल एवरेज स्पीड हो जाता है वो आपका 100-110 के बीच चला जाता है। बट जैसे ही आगे पूरा एक्सटेंशन होगा तो देखते हैं ये कितना टोटल स्पीड रहता है। अभी हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद स्टेशन पे। तो गाइस जैसे कि ये देख सकते हैं जब हम लोग दुहाई से निकल के दुहाई दिक्कत जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये मेरा ट्रैक जो है वो चेंज हो गया है। अब वो जो ट्रैक आप देख रहे हैं आगे में वो ट्रैक चल रहा है आपको मोदी नगर के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ चल रहे हैं और बस अगर जो है अपना रेस्टोरेंट स्टेशन जो कि दुहाई डिपो है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसमें फिर आप लोग को वहाँ से हम लोग वापस रिटर्न भी आएंगे, दुहाई डिपो आप लोग को दे देंगे। और यहाँ पर दुहाई डिपो पे ये है कि आपका जो क्या बोलते हैं आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ये ग्राउंड लेवल पे ही है, यहाँ से आपका ये ऊपर की तरफ ज़्यादा जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जस्ट यहाँ से वो ट्रेन निकल के गया और ये जाएगा साहिबाबाद के लिए। तो अभी हम लोग ट्रेन आएगी उससे हम लोग जाएंगे, तो तब तक के लिए अभी हम लोग यहाँ टिकट लेते हैं और टिकट अभी हम लोग लेंगे ये जो वेंडिंग मशीन है वहाँ से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर बाइक टिकट करना रहेगा और इस बार चल रहे स्टैंडर्ड से और डेस्टिनेशन क्योंकि अभी हम लोग दुहाई पे और हम लोग करते हैं ये साहिबाबाद के लिए कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर बैंक नोट का, यूपीआई का, बैंक कार्ड का और एनसीएमसी वॉलेट का सबका ऑप्शन है। तो हम लोग यूपीआई कर रहे हैं और यहाँ पर जो है आपका ये QR कोड आ गया, इसे स्कैन कर लेंगे। ओके तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हम लोग का हम लोग इससे कियोस्क से कुछ इस तरह से निकाले हैं और ये अब हम लोग यहाँ से चल रहे वापस से अंदर। और उसके बाद मैं भी थोड़ा टाइम आने में जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अभी 5:28 में आएगा जो कि अभी भी कम से कम यहाँ पर अभी 10-12 मिनट का टाइम है। ओके सो चलिए अब अभी थोड़ा टाइम है आने में, तो तब तक के लिए हम लोग बात कर ले कि कैसा रहा हम लोग का एक्सपीरियंस एक साइड का जर्नी का प्रीमियम क्लास का। तो सीट जो थे काफ़ी कंफर्टेबल थे। अभी हम लोग रिटर्न जर्नी करेंगे उसके स्टैंडर्ड क्लास से कर रहे हैं तो उसमें बताएंगे आप लोगों की कैसा रहता है एक्सपीरियंस, दोनों का कंपेरिजन कैसा रहेगा वो थोड़ा देर बाद बताएंगे। सब जर्नी खत्म करेंगे और स्पीड भी काफ़ी सही थी, आप लोगों ने देखा ही जो मैक्सिमम स्पीड कितना गया था। और उसके बाद फिर जो अभी एक चीज़ है कि साइबर से साइबर रिपोर्ट आने में इसका स्पीड काफ़ी कम रहता है क्योंकि इस पूरा स्लैंड रहता है और कम स्लैंड है तो 60 का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड के आसपास चलता है। और यहाँ पर आप लोग पीछे ये देख सकते हैं कि ये जो है
यहाँ पे एक बार भी ट्रेन लगा हुआ है और अभी जो है ट्रेन का जो है आने का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो अभी चलिए अभी आता है ट्रेन, तो फिर उसके बाद फिर चढ़ते हैं और फिर हम लोग वापस से साहिबाबाद पहुँच के फिर आप लोग से आगे जर्नी का पूरा आप लोग को एक कंप्लीट देते हैं कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। और गाइस आप लोग एक और चीज़ दिखाते हैं कि जैसे अगर आप लोग कोई प्रीमियम क्लास का टिकट है, अगर आप लोग एक बार एग्जिट कर लेते हैं तो आप उसको वापस इंटर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोग प्रीमियम क्लास का टिकट है उसे लगाए और आप देख सकते हैं कि ये जो है चेकआउट के लिए जा चुका है, चेकआउट हो चुका है, इसी कारण से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते इससे। तो आप लोग को ये ध्यान रखना कि आप लोग एक बार प्रीमियम क्लास से एग्जिट कर जाते हैं तो आप लोग वापस इंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये आ गया हम लोग का ट्रेन। सो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है नमो भारत का ये स्टैंडर्ड क्लास, आपने तीनों का अभी देखा है तीनों का एक्सपीरियंस कैसा था। और ये है आपका स्टैंडर्ड क्लास, इसमें जो सीट्स है ये थोड़े से नॉर्मल चेयर का टाइप में है, इसमें जो है आपको सीट्स तो ऐसे सब दिए, इसमें आपको जो कुशन्स कवर है ये रेड कलर का है, उसमें ब्लू कलर का रहता है, इसमें आपको एक नॉर्मल सा ही ये होल्डर दिया हुआ है, चार्जर दिया हुआ है और ये सीट के सीधा रहता है, ये आपका रिक्लाइनिंग होता है, जबकि जो आपका वो सीट्स है प्रीमियम क्लास का वो रिक्लाइन हो जाता है। और यहाँ पर जिसमें भी आपको ओपन में रखने के लिए ये दिया हुआ है, इसमें कोई भी आपको जो विंडो ग्रिल रहता है वो विंडो ग्रिल नहीं दिया हुआ है, और बाकी सब तो सब चीज़ सेम ही है, बाकी सीट्स भी वैसे ही हैं। और सबसे बेस्ट सीट जो है वो ये रहती है, क्योंकि यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। तो अभी चलिए हम ये लोग चलेंगे और उसके बाद जो है लेकर चलते हैं, फिर आप लोग पहुँचते साहिबाबाद, फिर आप लोग फाइनली इसका पूरा जर्नी का रिव्यू देते हैं। और एक और चीज़ आप लोग को बता दूँ, दिखा दूँ आप लोगों को, अगर आप लोग ये बटन प्रेस नहीं कीजिएगा तो ये गेट ओपन नहीं होगा, तो ये तो ये अच्छा कि सभी गेट खुलेंगे और जो गेट से आप लोग एग्जिट कर रहे हो वही गेट ओपन करना होगा ये बटन प्रेस करके। तो हम लोग यहाँ पर प्रेस नहीं, यहाँ पर ग्रीन लाइट जो ऑफ हो गया, ग्रीन लाइट जलने पर ही इसको प्रेस करने पर गेट खुलेगा, तो सेफ्टी वाइज भी काफ़ी अच्छा है ये। तो गाइस फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं साहिबाबाद स्टेशन पे, और अब के लिए मैं बात करता हूँ कि हम लोग का कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल जो है मुझे जर्नी काफ़ी सही लगी, जो प्रीमियम क्लास की थी वो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी, रिक्लाइनिंग थी, जो कि स्टैंडर्ड क्लास में नॉर्मल सीट्स ही थी बैठने के लिए, स्पीड भी जैसा बोला गया था कि 140, 150 के आसपास रहेगा, तो हाँ वो ओवरऑल जो एवरेज है वो आपका 130 जो एवरेज चल रहा है, 130 जो है टोटल जर्नी अगर निकाले तो 130 एवरेज भी आता है, स्पीड भी काफ़ी सही है। अब ये देखना रहेगा कि अभी तो साहिबाबाद से दुहाई के लिए खुला है, तो उसमें जो है जो डेली कम्यूटर्स है उन लोगों के लिए काफ़ी सही है, टाइम काफ़ी कम लगता है, और ऐसे बाकी सब के लिए तो कर नहीं सकते, बट अभी जो है क्योंकि आइसेंस हुआ अभी देखते हैं और कितना टाइम रहता है। और यहाँ देखा अभी भी काफ़ी सारा जो है वो डेकोरेशन जो है वो अभी भी बाकी है। तो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, हम लोग एग्जिट करते हैं, और क्योंकि अभी चल रहा है नवरात्रि तो अभी हम लोग जा रहे हैं दशहरा में घूमने के लिए। तो इसी के साथ जो है आज का यहाँ का ये छोटा सा रैपिड रेल या फिर कह लीजिए नमो भारत एक्सप्रेस का ये छोटा सा ट्रेन जर्नी और ब्लॉग यहाँ एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ नए ट्रेन जर्नीज, नए लोकेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।